नमस्कार, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में आज के हमारे खबरों के सिलसिले के बारे में। आज हम हमारे खबरों के सिलसिले में कौन कौन सी खबरों को शामिल करेंगे, आज हम हमारे खबरों के सिलसिले में आज की सुर्खियों में शामिल करेंगे टॉम ऑल्टर का निधन की खबर, एल फिंस्टन रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की खबर, कारोबार जगत की खबरों में हम शामिल करेंगे GST की खबर, HSBC की खबर और मनोरंजन जगत की खबरों में हम शामिल करेंगे कौन बनेगा करोड़पति सीजन 9 की खबर और खेलकूद की खबरों में हम शामिल करेंगे क्रिकेट की खबर। तो अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा खबरों का सिलसिला और पहली खबर हम लेते हैं टॉम ऑल्टर का निधन की खबर। बॉलीवुड के एक्टर टॉम ऑल्टर का निधन उनके आवास पर फ्राइडे की रात को हो गया है। टॉम ऑल्टर की उम्र 67 साल की थी। टॉम ऑल्टर को स्किन कैंसर था। टॉम ऑल्टर स्किन कैंसर के चौथे स्टेज पर थे। कुछ समय पहले टॉम ऑल्टर को मुंबई के सेफी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। टॉम ऑल्टर का जन्म 22 जून 1950 को हुआ था। टॉम ऑल्टर का जन्म का नाम थॉमस बीच ऑल्टर है। टॉम ऑल्टर को इंग्लिश के साथ साथ उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में भी अच्छी पकड़ थी। टॉम ऑल्टर की शादी 28 मई 1977 में कैरोल इवांस के साथ हुई थी। कैरोल इवांस का निधन इसी साल 2017 में हुआ था। टॉम ऑल्टर के दो बच्चे हैं। टॉम ऑल्टर के सन का नाम जेमी है और डॉटर का नाम अफसान है। हम आपको ये बताएं, टॉम ऑल्टर की पहली फिल्म चरस जो 1976 में रिलीज हुई थी। टॉम ऑल्टर ने 300 से ज़्यादा मूवीज़ में काम किया है। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है एल फिंस्टन रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की खबर। एल फिंस्टन रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच जाने से 22 लोगों की मौत हो गई है और 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह भगदड़ दो रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाले फुट ओवर ब्रिज पर हुई है। यह फुट ओवर ब्रिज वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे स्टेशन को जोड़ता है। हादसे में मरने वालों को स्टेट गवर्नमेंट और रेलवे विभाग 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देगा। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने वालों को 1 लाख रुपए और सामान्य रूप से घायल होने वालों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यह हादसा फ्राइडे की सुबह 10:38 पर हुआ। उस समय बारिश हो रही थी। बारिश से बचाव के लिए भारी संख्या में लोग फुट ओवर ब्रिज पर आ गए थे। मीडिया में खबर आ रही है कि यह भगदड़ शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। यह भी बताया जा रहा है कि यह भगदड़ फुट ओवर ब्रिज के टूटने की अफवाह के कारण हुई है। यह भी बताया जा रहा है कि यह भगदड़ बारिश के रुकते ही सभी लोग एक साथ नीचे उतरने लगे, जिस कारण लोगों के पांव फिसल गए और वो गिर गए। फिर उसके बाद कई लोग एक दूसरे के नीचे दब गए। इस हादसे में पिता की जान बचाते हुए बेटी का निधन हो गया है। बाप बेटी उस समय परेल स्टेशन से बाहर आ रहे थे। उसी समय वहां भगदड़ मच गई। पिता किशोर वारपे को बेटी ने सचेत कर दिया था, लेकिन बेटी श्रद्धा भीड़ में फंस गई और उसकी मौत हो गई। बेटी ने लास्ट शब्द यह कहे, पापा आप आगे जाइए, मैं भीड़ कम होते ही आती हूँ। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है कारोबार जगत से जुड़ी हुई। कारोबार जगत की खबरों में हम आपको बताते हैं पहली खबर GST की खबर। पुराने स्टॉक पर नए स्टिकर लगाकर बेचने की तारीख सरकार ने 1 अक्टूबर तय कर रखी थी। हम आपको यह बताएं, अब पुराने स्टॉक पर नए स्टिकर लगाकर बेचने की तारीख सरकार ने 3 महीने आगे कर दी है। कारोबारी अपने पुराने स्टॉक को 31 दिसंबर 2017 तक बेच सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है HSBC की खबर। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर बहस छिड़ी हुई है। कमजोर GDP के कारण विपक्षी पार्टियां सरकार को निशाने पर ले रही है।
खबर आ रही है कि HSBC ने कहा है कि इंडिया अगले 10 सालों में वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी वाला देश होगा। HSBC ने कहा है कि 2020 में भारत की इकोनॉमी रफ्तार पकड़ेगी। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई। मनोरंजन जगत की खबरों में हम आपको बताते हैं कौन बनेगा करोड़पति सीजन 9 की खबर। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 9 का पहला एपिसोड 28 अगस्त 2017 को प्रसारित हुआ था। KBC सीजन 9 में एक महिला करोड़पति बनी है। हम आपको ये बताएं, sportboye.com वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार यह महिला झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली है। महिला का नाम अनामिका मजूमदार बताया जा रहा है। इस एपिसोड की शूटिंग पूरी हो चुकी है। जल्द ही यह एपिसोड टीवी पर प्रसारित होगा। हम आपको ये बताएं, अनामिका मजूमदार 7 करोड़ के सवाल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन सवाल हार्ड था, इसलिए अनामिका मजूमदार ने गेम से क्विट करके 1 करोड़ की धनराशि जीत ली है। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है खेल कूद की खबर, और खेल कूद की खबरों में हम आपको बताते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच के बारे में। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच चल रहा है और आज पहले टेस्ट मैच का day 3 है। हम आपको ये बताएं, श्रीलंका ने अपनी पारी में खेलते हुए 419 रन बना लिए हैं 10 विकेट खोकर और 154.5 ओवर के अंदर। वहीं पर पाकिस्तान अपनी पहली पारी अभी खेल रही है और पाकिस्तान ने 69 रन बना लिए हैं 25.4 ओवर के अंदर। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच के बारे में। साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच चल रहा है और आज पहले टेस्ट मैच का 3रा दिन है। हम आपको ये बताएं, day 2 के दिन खेलते हुए साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 496 रन बनाए थे 3 विकेट खोकर और 146 ओवर के अंदर। वहीं पर बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में day 2 के रोज़ 127 रन बनाए थे 3 विकेट खोकर और 34 ओवर के अंदर। आज day 3 के दिन बांग्लादेश अपनी पहली पारी को आगे बढ़ाएगी। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है कल हुए क्रिकेट मैच के रिजल्ट के बारे में। कल इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच 5वां ODI मैच खेला गया था। यह मैच इंग्लैंड ने 9 विकेट से जीत लिया है। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जॉनी बेयरस्टो को दिया गया और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मोइन अली को दिया गया। मैच का टॉस इंग्लैंड ने जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। वेस्ट इंडीज ने पहले खेलते हुए 288 रन बनाए 6 विकेट खोकर और 50 ओवर के अंदर। वहीं पर इंग्लैंड ने 294 रन बनाए 1 विकेट खोकर और 38 ओवर के अंदर। तो यह है आज की हमारी खबरें। आप हमारे चैनल आज की खबर को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।